देख रहे हैं हमारे साथ 24 आवर्स ग्रेट न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। फरीदपुर सभागार में माननीयों ने कोरोना नियम तोड़कर बैठक कराई, 43 लाख के विकास कार्य प्रस्ताव पर मोहर लगाई। फरीदपुर बरेली कोरोना काल में 7 महीने बाद शासन के निर्देशन में ब्लॉक सभागार में माननीयों की देखरेख में हुआ क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक का आगाज, तो भीड़ भाड़ और दूरी मास्क जरूरी नियम हो गया परवाज। खबर जिला बरेली की तहसील फरीदपुर से है। एसडीएम कॉलोनी स्थित ब्लॉक सभागार में बीजेपी आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप, क्षेत्रीय विधायक प्रोफेसर डॉक्टर श्याम बिहारी लाल की अध्यक्षता में लॉकडाउन के 7 माह बाद हुआ क्षेत्र पंचायत सदस्यों की 15वें वित्त आयोग संबंधी बैठक का आगाज। लेकिन सभागार के बाहर लगे फ्लेक्सी में कोरोना बना था जावाज, क्योंकि लिखा था सामाजिक दूरी, साबुन से हाथ धोना, चेहरे पर मास्क जरूरी। लेकिन सभागार में इसकी कुछ दिखी झलकियां, लेकिन भारी भीड़ भाड़ में कोरोना ले रहा था अंदर सिसकियां। ब्लॉक प्रमुख श्रीमती सीमा यादव के माध्यम क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने माननीयों को सौंपा विकास कार्यों के बजट का पुलिंदा। माननीयों ने कर कमलों से 43 लाख के पुलिंदा पर मोहर लगाकर उसे कर दिया जिंदा। पुलिंदा में सांसद प्रतिनिधि व ग्राम प्रधान ओमवीर गुर्जर ने गांव की सड़कों को इंटरलॉकिंग, बही नवदिया कल्याणपुर मस्तीपुर में खड़ंजा में नाली निर्माण, नखी सिद्धवा में तालाब की सुरक्षा, दीवार खानपुर में शमशान भूमि जमीन पर अवैध कब्जे के साथ बाउंड्री निर्माण सहित तमाम कार्यों को समेटा। माननीय बोले, अगर काम सही नहीं हुआ तो जनता के निशाने पर आ जाओगे बेटा। सदस्य बोले, मोहर लगे प्रस्तावित कार्यों पर लगा देंगे अपनी जान, काम को ही देखकर जनता में होगी हमारी पहचान। क्षेत्र पंचायत बैठक में बीजेपी के आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप, क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती सीमा यादव, सोनू यादव, सत्यपाल नेताजी के अलावा क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद रहे। ये थी तहसील फरीदपुर से संवाददाता सुबोध शर्मा की रिपोर्ट।